हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12th NIOS बोर्ड का जो है चैप्टर 7 शूट सिस्टम, यानी शूट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इसका मतलब होता है प्रोह तंत्र। ये जो है दोस्तों 11वीं क्लास और 12वीं क्लास जो है जो NCERT के चैप्टर उनको भी ये कवर करता है। आपको जो है ये दोनों लैंग्वेज में प्रेजेंट होगा, आपके समक्ष जो होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में समझाई जाएगी एक अलग अंदाज से, ठीक है। इसमें जो है शूट सिस्टम के बारे में यानी प्रोह तंत्र के बारे में हर एक जो है ब्रिकी को हम समझेंगे और जानेंगे कि आखिर ये चीज़ होती क्या है और ये किस तरह जो है आपके स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर और फ्रूट सीड्स में अपनी इंपॉर्टेंट योगदान देता है, ठीक है। तो लेकिन जो है ये चैप्टर जो होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए, अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है, ठीक है। सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पर, तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इसे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो की उसकी जरूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुंचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवाद ही रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि तिरपान स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th, 9th, 10th, 11th, 12th CBSE के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ, प्लस जो है NIOS बोर्ड का 10th+2 को भी कवर करता है सभी सब्जेक्टों का, प्लस जो है BA पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है, प्लस जो है MA के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी तिरपान स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, तिरपान स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए, ठीक है। तो भूलिए मत, ये करना आपका फर्ज है और मेरा कार्य करना है आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फ्लावर। फ्रेंड, द फ्लावर इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्लांट because the flower are a things of beauty for us, but for the plant they are a vitals as they are the seed of their sexual reproductions. They produce fruits and seed for a flower. Their flower is the modified assorted because it has a node very close to one to another, and floral leaves is arranged in the sexes of the world. There is a first is part of the typically flower. The take a flower of any colors and size growing in your area, you will be find its and basis plant to be the same. The flower is a what it is a stalk or called the pedicel. There the pedicel is has a swollen tips and known as the thalamus. There is spectral on which are the brown 4 borders successively to define order to given below. There is a sessile wall. There is a calyx is a collection of the spell. There is the outermost wall is the greens spell. There was the main function of the protection. The second is a corolla. There is a collection of the petal. There is the next wall is the various colors of petal. They are helped to attracting to the insect for the pollination. There a petal is the important attraction for insect for the pollination. And next is a reproductive wall. There is a androxolium as a male reproductive part constituent of collection of the stamen. The each stamen has a long slender filament with the pavilus is an anther at its tips and their connective. The anthers produce the pollens grain for the pollination. The next is a xenosium.
जेनोसियम्स इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अ सेंट्रल लोकेटेड इट इज अ कंसिस्टेंट ऑफ कलेक्शन ऑफ वन आर मोर कॉर्पस विच इज ऑर्गेनाइज टू फॉर्म वन आर मोर पिस्टल देयर ईच पिस्टल हैज थ्री पार्ट द फर्स्ट इज ओवरी ओवरी इट इज द स्वेलेंस वेसल पार्ट वंस ऑफ मेनी चैम्बर्स कॉल्ड locals the containing vesicles is will get a fertilized to form a seeds and the fertilizer ovary from the fruit here shown in this picture when the typical flower and their part is important for exam view there is still styles stigma petal stamens carpels and sepal they represent of this flower Here is a style. It is inverted tubes connected the upper part of ovary to stigma, and the stigma it is the receptive to the surface of pollen. There is a common variation in flower and is a flora plot. Their flower shows a lot of variation, some of which the you can study from table. The first of all, the variation of flower. The first is a variation. The second is character. The first is a variation is a complete perfect flower is a. All four flora what it present as a variation is a incomplete imperfect flower their character is any one or more of flora is absent the second variation is a bisexual is a hermaphrodite there is the characters of both reproductive organs stamen and the carpel present and fourth is the unicellular sexual there is the first is the staminate as a male flower their character is only stamen present And second is a pistillate. It is a female flower. Here only pistil is present. And first is on the base occurrence of the unicellular sexual flower. Plant is monocasis and dicocasis. There is the both male and female flower occur on same plant. There is a cucumbers male and female flowers occur on different plant is papaya. When there is example of male and female flower occur on same plant is the cucumber and male and female flower occur different plant it is a papaya so next is nuttall's flower there is a both stamen or carpel are absent and there is a six point is a actinomorphic irregular flower it is can be divided into two equal levels through any vertically plant is a mustard the mustard is the most important is a regular flower and there is a zygomorphic is the regular bilateral it is can be divided into two similar levels only through on a particular plant is example of pea there is a pea the Hindi is called to the matar and the asymmetric irregular asymmetric means to irregular it can be divided into the two similar level and in a vertically plant is a chana and the a part is a variation in a spells and petal defense the variations is a polo spellus and the polo petalus is the polo means free spells or petals are free respectively there is a second gamospellus is the gamopetals is a mangoes united all spell or petal are the fused respectively there is a peri nut is a spells and petal not discernible on onion there b part is a variation in the stamen there is stamens show the variation in their consonants in the fusion there is a mono developos is a filament fused into the one vendel but is a the anther are free example china rose and second is a diphyllum dilophosphorus is a filament fused to form a two bundle is a physis the next is a polo dilophosis the means the filament fused to form a many bundle example lemon and fourth is a cyanogenesis cyanogenesis means the filament are free but anther are fused example sunflower and fifth is a cyanoderms Their stamens are fused throughout their length. Is a cocoon and cams. Other variation in the stamen are flow. The papetalus. The papetalus is the stamen are attached to the petals, but there is a filament. But anther are free. Example of rinsel. And seventh is a didonamus. Didonamus is a four stamen, too short and too long. Example tulsi. The tulsi is an important plant of didonamus.
एंड टेट्राडायमंस इज द सिक्स स्टेमन इनर फोर आर लॉन्ग एंड आउटर टू आर शॉर्टर एग्जाम्पल मस्टर्ड ट्री. Here so in this picture, coalescence is a fusion of stamens, the monodiadophores, dellophores, and the phyllodiaphores, sagos, genoses, and cynodiaphores. The different types of here is a fusion of the stamens, and they present. The next is a sea variation in the carpel. There on the base of number of carpels is the pistil, is flower, maybe is a monocarpellaris, it is the gynoecium and pistils has only one carpels, example, peas and polycarpellars as if the gynoecium has a many carpels is a China rose. It may be a there are cynocarpels is divided two parts cynocarpels and aprocarpel. There are cynocarpels so two or more carpels are fused to form a pistil. Example tomato and mustard. And second is the aprocarpels is there are carpels are free the ranunculus and the lotus. There is a vision of flora. Is a wall is a thalamus with the respect to be ovary. The flower could be of three kinds. Hypogonous. Hypogonous means ovary occupies their highest position on thalamus. Other three is a wall there successively to below it. Ovary is said to be a supplier to the China rose and mustard. The next is perigonosis. There is a thalamus is a disc like on with the ovary is a borean in their center and rest of the flora wall there is localized on the rims of the thalamus. The ovary is said to be a half anterior. Example is a peach and the plum. There is a third is a epigonus. Epigonus is a thalamus from a cup shaped structure and enclosed the ovary is completely and fused with it. There are other walls is the position about their ovary. The position of the ovary is a non inferior. Example sunflower and cucumber. So in this picture, position of flora part of thalamus. There are part of thalamus is a hypogonus and perigonus and the epigonus and they show on the central position of the flora the thalamus part. Do you know some plant like as a cashew soups is a nut and mango have a nucleus is a bisexual and the unicellular. Sexual flower on the same tree. There is the important the unicellular and the bisexual is a flower on the same tree. Then next is there is a presentation. It is the manner in which there is a centrate or disturbed in the ovary. Presentation is the point of attachment of available of future seeds in the ovary. The types of presentations is a marginal and axial. There is a marginal, their ovary is a monocarpellars and one is a chambered. On the valuable, there is arranged to along the fuse of marginal of the single carpus, example, peas and gram. And the second is the axillary. This ovary is the polycarpellars, is a cynocarpus having many chamber and ovules. There is a present on the placenta and developed from the center axis formed by the fusion of marathon of two or more carpels. China rose, tomato, bhindi. And third is parietal. Parietal, it is the ovary, is the polycarpellus and the cynocarpus having one chamber and the ovules are attached on its inner walls where a marathon of adjoinings. Carpels meet to example mustard and cucumber. The fourth is the vessel. Their vessel is ovary is a bi or polycarpellar. Their cynocarpels having one chambers and placenta devolve at the base of ovary and where is a single ovule is example sunflower. And fifth is a free central. Means ovary is a cynocarpels or polycarpellar is a but is a unicellular as a septa are absent. In the central part of the ovary and placenta, there are many groups of ovules, diverthums and perula. Here, so in this picture, the types of placentation, there is a medicinal, axial, parietal, free central, vessel, supricle. There is a first, A is a marginal and B is axial. They are shown in this picture. And C is a parietal. There is a different types of C as shown in this figure. And free central is also different and vessel is a totally different. But superficial is a same to the each other. There is important features of types of placentation. The other is a superficial. So ovary is a polycarpellus, is a cynocarpels, is a must
multicellular in which their entire inner walls of chamber are lined with their placenta tissue so that ovules revolve all around. Example, water lily, Nepholias. दोस्तों अब जो हमारा जो टॉपिक है वो है फ्लावर का। देखिए फ्लावर जो है काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देता है, ठीक है। चाहे फ्लावर को आप जिस रूप में देखिए, ये कई रूपों में जो है हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहते हैं ये हमारे इष्ट के लिए बहुत सुंदरता के लिए भी पेश किया जाता है, लोगों को सजने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो पुष्प का जो है अपना एक महत्व है, लेकिन कहते हैं प्लांट में जो है फ्लावर का क्या महत्व है। देखिए फ्लावर का जो महत्व है पौधों में वो भी एक अपना खास जगह रहता है। कहते हैं कि ये जो होती है कीड़े मकोड़ों को आकर्षण करने का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है, और कीड़े मकोड़े जब तक अट्रैक्ट नहीं होंगे तब तक जो है ये फूल जो है फल में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि परागण कण जो होते हैं या तो जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनके पैरों में सिमटे हुए होते हैं या उनके बॉडी में चिपके हुए होते हैं, जो ये रस चूसते समय जो है इनमें गिर जाते हैं, जिससे जो है फल जो है फूल जो है फल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इतना महत्वपूर्ण फ्लावर का कार्य है, तो समझ सकते हो कि कितना महत्वपूर्ण कार्य यहाँ पर फ्लावर का हो सकता है। कहते हैं पुष्प हमारे लिए सुंदरता की एक वस्तु है, परंतु पौधे के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह लैंगिक जनन का एक स्थान है। पुष्प फल और बीज भी उत्पन्न करते हैं, यानी फूल जो होते हैं फल भी उत्पन्न करते हैं और बीज भी उत्पन्न करते हैं, यानी यहाँ से जो है आगे के जनरेशन बढ़ाने का सबसे एक अच्छा साधन भी माना जाता है। तो इसलिए तो फूल जो है इतना महत्वपूर्ण माना गया है। कहते हैं प्ररूपी पुष्प के अंग, यानी उसके जो है प्ररूपी अंग कौन कौन से होते हैं। अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले किसी भी रंग अथवा नाम का पुष्प लीजिए, आप उनकी जो है मूल संरचनाएँ सामान्य पाएंगे। पुष्प एक वित्त यानी पेडिसेल पर लगा होता है, जिसकी शीर्ष फुला हुआ होता है। आपने देखा होगा जहाँ फूल लगा होता है वहाँ पर थोड़ा सा पाठ जो होता है फुला हुआ होता है, जिसे हम पुष्पशान यानी थैलमस कहते हैं। ये चीज़ को पाठ को हम क्या कहते हैं, थैलमस कहते हैं, अथवा स्तंभक यानी स्पेक्टल्स भी कहते हैं। इस पर निश्चित क्रम में चार चक्र होते हैं जो निवित होते हैं। अब देखिए कौन कौन से चार चक्र होते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो होता है सहायक चक्र एक्सेसरी वॉल, ये जो हमारा होता है बाहरे दल पुष्ट होता है, यानी क्लैक्सी होती है, जिसमें बाहरे दलों का समूह होता है। सबसे बाहरी चक्र हरे जो है बाहरे दलों का बना हुआ होता है, जिसका चक्र मुख्य कार्य सुरक्षा प्रदान करना होता है। उसके बाद है दल पुंज जो होता है कोरेला, यानी दलों का समूह, यानी दूसरा चक्र जो विभिन्न रंगों दलों और पंखुड़ियों का बना होता है। इसका जो है कार्य परागण यानी पोलिनेशन के लिए कीट पतंगों और अन्य जंतुओं को आकर्षित करना होता है, ठीक है। यानी दलपुंज जो होता है दोस्तों ये कीट पतंगों को आकर्षित करने के लिए होता है, जिससे कि परागण कण यानी पोलिनेशन पौधों में हो सके। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण इसको बनाता है। कहते जनन चक्र में जो होता है रिप्रोडक्टिव वॉल्व में जो होती है पुष्पमंग यानी एंड्रोसियम्स, इसमें नर जनन अंग होते हैं, ये पुकेशर यानी स्टेमन कहलाते हैं, यानी पुकेशर कहलाते स्टेमन के समूह से बना चक्र होता है। प्रत्येक जो है पुकेशर में लंबा पतला तंतु यानी फिलामेंट होते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है, जिसके सिरे पर जो है द्विपालिका यानी पराग कोष होते हैं। एंथर को हम कहते हैं पराग कोष, ठीक है। पराग कोष होता है जो योजी यानी कनेक्टिव द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं, यानी ये दूसरे से कनेक्ट होकर जुड़े रहते हैं। पराग कोष जो है पराग कणों के लिए परागण कण उत्पन्न करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है। आपके समक्ष जो है एक फ्लावर यहाँ पर प्रस्तुत है, तो इस फ्लावर में आप देख सकते हो कि डिफरेंट टाइप के जो है चीज़ें दिखाई गई है। जैसे कि आप देखोगे वर्तिका दिखाया गया है, वर्तिकांग दिखाया गया है, दल दिखाया गया है, पुकेसर दिखाया गया है, अंडिस दिया गया है, बाहर दल दिया गया है। तो ये जो है कई क्लासों के लिए इंपॉर्टेंट है, दसवीं क्लास के बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्लस टू एलेवन सब जगह क्लासों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो छोटे बच्चे उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है जो एट्थ क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है। फूल के भागों का वर्णन जो है एट्थ क्लास में भी रहता है, तो ये कई जगहों पर समझने के लिए महत्वपूर्ण माना जा सकता है। उसके बाद चौथा बात यही आता है जयांग, यजांग मतलब है गैनोसियम जो होता है सदा जनन, इसे हम कहते हैं मादा जनन अंग। केंद्र में स्थित जो है अंडप यानी कार्पल अथवा स्त्री केशर यानी पिस्टल का समूह है। एक अंडप के तीन भाग होते हैं, एक तो होता है अंडाशय जिसे हम ओवरिस कहते हैं, यह फुला हुआ आपका धात्री भाग है जिसमें एक से अधिक कोष्ठक यानी लोकोसस नामक कक्ष होते हैं। इसमें जो है बीजाण वेल्यूसिस स्थित होते हैं जो निषेचित होकर बीज बनाते तथा अंडाशय से फल बन जाता है, और निषेचन करते हैं यहाँ पर और इसे जो है बीज बनते हैं और अंडाशय से फल बन जाता है।
उसके पश्चात है वर्तिका यानी स्टेल। स्टेल जो होती है वर्तिका, यह एक लंबी जो है नली नुमा संरचना है जो अंडाशय को वर्तिका यानी स्टिग्मा से जोड़ता है। ये स्टिग्मा से जोड़ने के लिए जो है स्टाइल जो है महत्वपूर्ण योगदान यहाँ पर देता है। उसके पश्चात है वर्तिकांग यानी स्टिग्मा। देखिए स्टिग्मा भी जो है एक महत्वपूर्ण है, यह एक परागण कणों के लिए गाही यानी रिसेप्टर स्थल है। यानी स्टिग्मा जो है परागण कणों के लिए एक रिसेप्टर का स्थान माना जा सकता है। अब यहाँ पर जो है पुष्प एवं पुष्पीय भागों के सामान्य विविधता, देखिए पुष्प और पुष्पीय में क्या विविधता है तो ये जानना अत्यंत महत्वपूर्ण भी रहता है। तो हम देखते हैं विविधता और लक्षणें क्या हैं। पहला विविधता होगी, दूसरा लक्षण कहा जाएगा। तो पहले विविधता में आता है पूर्ण यानी कंप्लीट परफेक्ट पुष्प, इसमें चारों चक्रीय जो होते हैं उपस्थित होते हैं, ये उसके लक्षण होते हैं। दूसरा जो होता है अपूर्ण यानी इनकम्प्लीट इनपरफेक्ट, इसमें क्या होता है कोई एक या अधिक पुष्प चक्रीय अनुपस्थित होती है। उसके पश्चात होता है उभलिंगिंग यानी हेर्मोफेरेडेट, इसका मतलब है जिसमें दोनों जनन अंग यानी जयालंग और जो है मुमंग जो है उपस्थित होते हैं। उसके पश्चात है एकलिंगिंग यानी इनसेलुला, इनसेक्सुअल जो होती है दोस्तों इसमें केवल एक जनन अंग उपस्थित होते हैं, ये लक्षण होते हैं। इसमें जो है पुकेसर स्टिमनेट या नर पुष्प यानी केवल जो है पुकेसर उपस्थित होता है, और स्त्री केसर यानी पिस्टलेट या मादा पुष्प भी कह सकते हो केवल अंडप उपस्थित होते हैं। कहते हैं कि एक कोश के पुष्प में पाए जाने वाले धारित पादप दो तरह के होते हैं, एक जो होता है उभ लिंगी श्रेय यानी मोनोकोसिस यानी इसमें जो होता है दोनों नर मादा पुष्प उसी पौधे पर पाए जाते हैं। जैसे कीड़ा में देखोगे ना तो दोनों नर भी पाया जाता है और मादा भी एक ही पुष्प पाए जाते हैं। तो इससे जो होता है कीड़ा जो होता है खुद ही फर्टिलाइज कर लेता है अपने आप को, तो इसमें दूसरे की जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन इसमें एक लिंगिंग श्रेय यानी डिस्कोसिस में जो होती है नर एवं मादा पुष्प अलग अलग पौधों पर पाए जाते हैं। जैसे पपीता है, पपीता के एक पेड़ लगाने से आपको जब है फल उत्पन्न वहाँ पर नहीं होगा, वहाँ पर आपको दो पपीते के पौधे लगाना पड़ेगा, एक नर होगा एक मादा होगा, तब जाके जो है पपीता में जो है पुष्प आएंगे तो ये फर्टिलाइज होगा। यानी नर एवं मादा पुष्प अलग अलग पौधों पर पाए जाते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट भी रहता है और आपको नया जानने को भी मिलता है। उसके बाद नपुंसक यानी नपुंसक पुष्प यानी दोनों पुकेसर एवं अंडाशय अनुपस्थित होता है। नपुंसक तो आप देखते ही होगे जिसमें फल ही नहीं लगता है, ठीक है, जिसे बांझ भी कह सकते हो सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। उसके पश्चात है त्रिय समितित यानी एस्टोमेरोफिल्स या नियमित यानी रेगुलर पुष्प। यदि पुष्प को किसी भी अनुदैर्ध्य तलों के से दो सामान्य अदर भागों में विभक्त किया जा सके, जैसे सरसों का पौधा है उसको अगर दो भागों में विभक्त करोगे तो आपको रेगुलर पुष्प दिखेंगे, जो कि महत्वपूर्ण होता है। उसके पश्चात 7 पॉइंट यही कहता है एका व्यवस्थमतिति यानी जैगोमेरोफिक्स यानी अनियमित द्विपार्श्विक। इसका मतलब यही होता है दोस्तों कि यदि पुष्प को केवल एक अनुदैर्ध्य तल से दो सामान्य भागों में हम अगर विभक्त करते हैं, तो जैसे कि मटर को अगर दो भागों में विभक्त करोगे तो इसमें आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। उसके पश्चात है असमिति यानी असमेट्रिकल या अनियमित यानी इरेगुलर। इसका जो पुष्पों के भी अर्ध तलों से दो सामान्य भागों में विभक्त नहीं किया जा सकता, जैसे कैना जो होती है उसको दो भागों में विभक्त करना संभव नहीं माना जा सकता है। उसके पश्चात जो आगे आता है हमारा ए पार्ट में बाहरी दलों एवं दलों में विविधता। देखिए बाहरों दलों और दलों में क्या विविधता क्या अंतर है, तो सबसे पहले तो हमारे समक्ष यही आता है पृथक बाहरी दलीय यानी पोलो स्कैपल्स। एक जो है पृथक दलीय यानी पोलो पेटस पाया जाता है जिसमें बाहरी दल अथवा दल क्रमश आपस में स्वतंत्र होते हैं, ये जो होते हैं फ्री होते हैं। उसके पश्चात दूसरा पॉइंट आता है संयुक्त बाहरी दलीय यानी गैमोस्पैगल, देर एक संयुक्त दलीय होते हैं जिसमें गैमोपेटल्स पाया जाता है, इसमें समस्त बाहरी दल अथवा दल आपस में जुड़े हुए रहते हैं। उसका थर्ड पॉइंट यही कहता है परिदल यानी पुंज परिनाथ जो होती है बाहरी दलों एवं दलों में भेद नहीं होता है। उसके पश्चात बी पाठ में यही आता है कि पुकेसर में विविधता। कहते हैं पुकेसरों में विविधता उसके आसपास जुड़ने अथवा संसंजन यानी कंसेशन से होती है। तो इसके जो है कुछ भागों में इसको बांट दिया गया है, उसको इसमें जो है एक का संधि बनाया गया है, जैसे मोनोडेलोफस। तो एको
संधि में क्या होता है, सभी जो है पुकेशरों के तंतु आपस में एक बंडल में जुड़े रहते हैं, परंतु परागण को स्वतंत्र रहते हैं। जैसे गुड़हल, गुड़हल का जो फूल देखोगे ना तो उसमें ऐसा ही होता है कि सभी पुष्प जो है आपस में एक बंडल में जुड़े रहते हैं परंतु परागण को स्वतंत्र रहते हैं। जैसे गुड़हल के पौधे आप देखोगे ना तो लोग तो कहते हैं कि इसका फूल ही नहीं दिखता कभी, क्योंकि ये तो आपस में बंडल में जुड़े हुए होते हैं तो उनको फूल कहाँ से दिखता है। ठीक है, उसके बाद है द्विज संधि डायलोफोलोसिस, इसमें तंतु दो बंडलों में जुड़े रहते हैं। जैसे मटर, मटर में जो है फूल दो बंडलों में ये जुड़ा हुआ रहता है जो कि इसको एक महत्वपूर्ण बनाता है। उसके बाद है बहुसंधि, बहुसंधि को हम जो कहते हैं पोलोडायरोफोस भी कहते हैं, पर इसमें जो है तंतु पृतंतु संयुक्त होकर अनेक बंडल बनाते हैं। जैसे नींबू के फूल देखोगे तो उसमें आप ऐसे जो है देख सकते हो। देखिए दोस्तों, ये सारे फूल पौधे जो हैं आपके आसपास पाए जाते हैं, तो एक बार ला के जो है इसको वीडियो ऑन करके आप समझ सकते हो कि इस पौधों में क्या, किसको बंडल कहा गया है और किसको क्या कहा गया है। तो ये समझने के लिए आपके लिए बहुत ही सरल तरीका और आसान सजेशन भी रहेगा। कहते हैं संयुक्त कोश यानी सैजो नेसिस, इसमें जो होती है पराग कोष परंपर जुड़े रहते हैं आपस में, पराग कोष जो दोस्तों होते हैं जुड़े हुए रहते हैं परंतु तंतु में मुक्त रहते हैं यानी आजाद रहते हैं। जैसे एग्जांपल आप पता ही होगा आपको, सूरजमुखी के पौधा जो होता है वो इसी कैटेगरी में आता है। सूरजमुखी के पौधों में जो होती है पराग कोष परंपर जुड़े रहते हैं परंतु ये मुक्त रहते हैं, आपस दूर रहते हैं। उसके बाद शंपु मांग यानी सनोडरमस, यानी समत पुकेसर ऊपर से नीचे तक आपस में जुड़ जाते हैं। जैसे कैक्स कोप जो होती है इसका एग्जांपल है। उसके पश्चात हमारे समक्ष जो है पुकेसर में अन्य विविधता निम्न है। देखिए पुकेसर में कुछ विविधता भी पाई जाती है, तो सबसे पहले तो है दल लगन होता, मतलब होता है एपी पैटलस का होता है पुकेसर के जो सूत पुतंतु दल पुंज से जुड़े रहते हैं तथा परागण कोष मुक्त। जैसे बैगन में आपने देखा होगा कि इसमें जो है दलगलन होते हैं जो कि दल पुंज से जुड़े हुए रहते हैं और पराग कोष जो होती है मुक्त होता है, जैसे बैगन का फूल आप देख सकते हो। उसके पश्चात है द्विदेशीय यानी डायडोनोमस जो होती है चार पुकेसर होती है, इसमें दो छोटे तथा दो बड़े होते हैं। आप देखे हुए होंगे कि ये तो घरों में भी आपको उपस्थित होती है, इसमें चार पुकेसर दो छोटे तथा दो बड़े होते हैं। जैसे कि तुलसी के पौधे देखते हो, तुलसी के पौधे के देखना ध्यान से, तो उसमें आपको इसी प्रकार के जो है दृश्य देखने को मिलेगा। उसके बाद चतुर्दर्शी, इसमें जो है टेट्रानोमस पाया जाता है, जिसमें छः पुकेसर होती है और अंदर के चार लंबे एवं बाहर के दो छोटे, जैसे सरसों के पौधा होता है उसमें जो है आपको चतुर्दर्शी देखने को मिलेगा यानी टेट्राडायमस देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बनाता है। यहाँ पर कुछ डायग्राम है जिसमें हम पढ़े हैं जो है पुकेसरों का संमंजन जुड़ना। देखिए यहाँ पर आप देखोगे इसमें एक संधि बनाया, एक ही दिखाया गया है, इसमें दो संधियों बनाई गई है, इंद्रिय संधि है, इसमें बहुत संधि है, कई संधि मिलके है, और ये जो है युक्ति कोशी है उसका संपूर्ण मांग, यानी इसी तरह के जो है आपको दिखेंगे। हम इन्हीं की बात कर रहे थे अभी, तो आप पुष्प जब लेके आओगे तो इनके पत्ते को हटा के इस बाग को देखना कि ये पुकेसर कैसे होते हैं और कितना मज़ेदार होते हैं। कभी कभी प्रैक्टिकल करना भी अत्यंत महत्वपूर्ण रह जाता है बच्चों के लिए और उनके समझ के लिए। उसके पश्चात आता है हमारे समक्ष शीप पाज, जिसमें अंडप में विविधता जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण रहता है। कहते अंडपों की संख्या पर आधारित पुष्प निम्न प्रकार के हो सकते हैं। पहला तो होता है हमारा एकाडम्बी यानी मोनोकार्पलर, इसमें जैसा केवल एक अंडप का बना होता है, जैसे मटर में होता है, मटर में एक जैसा ही बना होता है। उसके बाद बहुअंडप यानी पोलोकार्पलर्स, इसमें होता है अधिक मंडपों सहित, जैसे गुड़हल का पौधा मैंने अभी बताया था, ये निम्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि गुड़हल के पौधों में और भी हो सकते हैं बहुत डंप लिए, जैसे कि युक्ताडम्पी, विक्तुडम्पी, यानी इस पहला जो है हमारा युक्ताडम्पी जिसमें सैनोकार्पस कहते हैं, सभी अंडा परंपर जुड़े हुए होते हैं जैसे मटर और सरसों के पौधा। उसके बाद है विक्तुडम्पी यानी अपोकार्पलस, इसमें जो है अंडा अलग अलग होते हैं जैसे जलधानिया यानी रेनकुलस कलम, यानी कमल में भी जो है इसी प्रकार को आपको देखने को मिलेगा। उसके पश्चात हमारे समक्ष जो है अंडाशय के सापेक्ष पुष्पन यानी थैलमस पर पुष्पी चक्रों की स्थिति यानी पोजीशन ऑफ फ्लोरा वॉल द थैलमस विद रिस्पेक्ट टू ओवरी, यानी पुष्प तीन प्रकार के हो सकते हैं। पहला तो होते हैं हैपोगोनिस यानी अध्रुजागाई जगह
धर यानी जयागधर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। कहते हैं पुष्प संदन का अंडाशय का स्थान सबसे ऊंचा होता है तथा बाकी तीनों चक्र क्रमश उसके नीचे स्थित होते हैं। इस स्थिति में अंडाशय का जो है उधरवर्ती यानी सुपेरियस कहते हैं, जैसे गुड़हल और सरसों, गुड़हल सरसों जो है इसका अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। उसके बाद परी जाएगी क्या होती है, पैरी गोनस। इसमें जो है पुष्प शासन डिक्स समान होती है जिसपे अंडाशय केंद्र में तथा जो है शेष पुष्पी चक्र पुष्पासन के किनारे पर स्थित होते हैं। अंडाशय को जो है अध्र अधोवर्ती यानी हाफ इंटरफेरियस कहते हैं, जैसे आरू और जो है आलू बुखार आडू जो है सबसे अच्छा सा एग्जाम्पल है। उसके पश्चात है जयागोपारिक जो होती है एपिगोनस, ठीक है। ये एपिगोनस जो होती है ये पुष्प आसन प्याली के समान दिखाई देती है, जैसे कि आप चित्र में भी देखोगे। अंडाशय पुनस्ताप के घेर कर उसे जुड़ जाते हैं। बाकी चक्रीय अंडाशय से ऊपर स्थित होती है। अंडाशय की स्थिति अब अध्रोवर्ती यानी इन्फ्रारेड हो जाती है, जैसे कि आप सूरजमुखी और खीरा के जो है फूलों में देख सकते हो। जैसा कि आप समक्ष देख भी सकते हो जयागधर कैसे दिख रहा है, और परी जयागधर बीच में है और जया पौरिक जो होती है वो लास्ट में है। तो ये पुष्पों को देख सकते हो कैसे बीच में जो है खाली है, तो यही इसको जो है विशिष्ट बनाता है। क्या एक बात आप जानते हो जिसको आपको जानना चाहिए और जानते भी हो, कुछ पादपों में ऐसे काजू एवं आम में एक ही वृक्ष पर नपुंसक उभलिंगी तथा एक लिंगी पुष्प पाए जाते हैं। ये एक्सेप्शनल केस है दोस्तों कि काजू एवं आम में एक ही वृक्ष पर नपुंसक उभलिंगी तथा एक लिंगी पुष्प पाए जाते हैं। ये तो मैंने भी देखा था कि जब आम के पेड़ पे होता है एक बांज पेड़ भी लगता है जिसका पत्ता जो होता है डिफरेंट टाइप को दिखेगा और वो दूर से ही अलग दिखेगा, ठीक है। और उसकी शाखाएं जो है बड़ी आसानी से टूट जाता है, क्योंकि मुझे याद है बचपन में हम लोग भी ऐसा ही किया करते थे, ठीक है। बांज जो होता था एक अलग सा जिसे हम नपुंसक कहते थे आम के पेड़ पर लगा रहता था और फिर हम लोग तोड़ते भी थे, ऐसे उसको लक्कड़ जलाने के लिए काम आता है, ऐसे कोई खास नहीं है दोस्तों, ठीक है। लेकिन मुझे याद है कि मैं भी देखा करता था। तो आप भी जो है किसी आम के पेड़ पे देख सकते हो कि ऐसे जो है बांझ पेड़ आपको दिखेंगे, यानी नपुंसक भी दिखेंगे, उभलिंगी भी दिखेंगे तथा एक लिंगी पुष्प भी पाए जाएंगे। यानी नपुंसक पुष्प भी होगा, उभलिंगी पुष्प भी होगा, एक लिंगी पुष्प भी होगा। तो ये आम और काजू में देखने को मिल जाता है। तो देखिए ये छोटी छोटी बातें जो होती है कभी PMT या कहीं कहीं एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बात रखती है। उसके पश्चात है बिजांडस जो होते हैं प्लेजेंटेशंस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, यानी बिजांडस न्यास। अंडाशय ओवरी के अंदर जो है विडान आसनों यानी प्लेजेंटा की उपस्थिति के जो विडान आसन कहते हैं इसको प्लेजेंटेशंस ही कहते हैं, प्लेजेंटा सेशन। अंडाशय का वह स्थान जहाँ बिंदु जिस पर विजांड भविष्य में बीज लगे रहते हैं उसे हम बिजांडासन यानी प्लेजेंटा कहते हैं। बिजांडासन के विभिन्न प्रकार होते हैं, यानी इसको जो है कई भागों में बांटा गया है। तो पहला तो इसको यही भाग है सीमांत यानी मेरिजनल सीमांत होती है जिसमें एकाडम्पी और एक कोष्ट किए यानी वन चैम्बरिड अंडाशय, जिसमें जो है बिजांड एकल कोपल्स के जुड़े हुए किनारों पर लगे रहते हैं, जैसे मटर का और चना हो गया उसमें ये पाया जाता है। उसके पश्चात है दूसरा जो है एक्सोसाइट। एक्सोसाइट जो होती है बहुकोष्ठकीय अंडाशय बहुअंडपी और जैसे कर्पल्स, जिसके केंद्रीय अक्ष पर को जो है विकसित बीजांडासन पर बीजांड लगे हुए रहते हैं। ये दो या दो से अधिक कार्पल्स के किनारे के जुड़ने से बनता है, जैसे गुड़हल टमाटर और भिंडी। ये तीनों में जो है बहुत आसानी से आप देख सकते हो एक्सोइल जो है देखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, गुड़हल और टमाटर और भिंडी में। देखिए गुड़हल तो मिलेगा नहीं, टमाटर तो आपको मिल ही जाएगा और भिंडी भी मिल जाएगा, तो एक्साइल भी जो है आप देख भी सकती हो। उसके पश्चात है भित्तीय यानी पेरेटल जो होती है अंडाशय बहु डंपी और सिनकर्पस तथा एक कोष्ठकीय होती है, जिसकी अंतर्भित्ति पर जो है विजान उस स्थान पर लगे रहते हैं जहाँ अंडपों के जो है उपांत यानी मेरिजनल का संयोग होता है, जैसे सरसों और खीरा। उसके बाद है अधारी का मतलब होता है वेसल होती है अंडाशय द्विबहु अंडापी सिनकॉर्पल्स लेकिन एक कोष्ठकीय होती है, तथा जो अंडब के आधार पर जो विजांड आसन स्थित होती है जिस पर एक विजांड लगा रहता है, जैसे कि सूरजमुखी के पौधा है, सूरजमुखी के पौधे को जो देखो उसके फूल के देखो आपको झाड़ी वेसल आपको दिख जाएंगे।
उसके पश्चात है मुक्त केंद्रीय यानी फ्री सेंट्रल, ये अंडाशय सिनकोपस तथा बहुखंड भी परंतु पट यानी पेटल्स के अभाव से जो है अंडाशय एक कोष्ठकीय होते हैं, यानी ये एक कोष्ठकीय होते हैं। केंद्रीय भाग में बीजाणु जो होते हैं जिन पर अनेक बीजाणु लगे होते हैं जैसे एंथ्रस प्लाइमूला, तो ये सारे चीज़ एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट आपके लिए भी रखता है। उसके पश्चात है परिभित्तीय, देखिए सुपरफेशियल जो होती है वो भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। कहते हैं अंडाशय बहुडंपीय बहुइक्तीय तथा बहुकोष्ठकीय होती हैं जिसमें कोष्ठक की संपूर्ण आंतरिक सतह पर जो बीजाणुनाशय ऊतक स्थित होते हैं, अंदर बीजाणु पूरी तरह से जो होते हैं पर लगे होते हैं, जैसे कि वाटर लिली में। वाटर लिली में आप देखोगे तो इसी तरह से जो है दृश्य दिखेगा, जैसे हम साइंटिफिक नेम को हम नाइफोसिया कहते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो डायग्राम जो है, पहला जो है सीमांत का दिखाया गया, जो छोटा सा बीज ए में दिखाया गया है, बी जो है अक्षीय दिखाया गया है, सी जो है आपका भित्तीय दिखाया गया है, और डी जो है मुक्ति केंद्र दिखाया गया है, और ई जो है अंधारी, और एफ जो है परिधीय। तो इस तरह से जो है हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो है पुष्पों के बारे में हमने जाना, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इन्फ्लोरेसेंस। व्हाट यू मीन टू इन्फ्लोरेसेंस? इन्फ्लोरेसेंस इज द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरा एक्सिस ऑफ कॉल टू द पेरिवंकल्स। पेरिवंकल्स इज इन्फ्लोरेसेंस कुड बी टर्मिनल एंड द एक्सिलरी। There are types of inflorescence is the various types of inflorescence depend upon the types of branchings or peduncles. There are range of flowers. There are two major types of inflorescence. Is the first is the racemos. Racemos is the main axis does not end in the flower but is continued to the grow. Their second is a cymose. Cymose is the main axis in their flower and the growth of limited. Here the major difference between to the two are given there a table. They are different between to the racemos and the cymose. They are inflorescence. There are first is the racemos, a second is the cymose. Their main axis is a so in the unlimited grow in the racemos, and second is a grow is a limited. There are second part is the axis does not be terminate in a flower is a first. The second is the axis end in at flower. The first is a flower occur in the carpenter's order is the oldest flower below their youngest near the apex. The second is a cymose is the flower is the west petal's order terminal and flower ends order. The here types of racemos is inflorescence is the types of racemos. There with the main axis will ignore it. There are types racemos is their character and their third is an example. First is the types. Second is a character and third is example. There is a first is a types is a resmi. Resmi means flower present on the flora axis is the stall gate and arranged the arco petal. As example is a mustard. Second is a apex. Apex there is a character is a like a resmi but their flower are a sensile. There is example of Lactizira is a arco nathid. And third is spicadel. There is a third spicadel is the custard of one or more flower flotes and there is association bract. And the example of beet. The beet is example of spicadel. There is a fourth is a catechin. Catechins is the like a spike but there exists of pendulums and wearing their unisexual flower. There is example of mulberry. Mulberry is the example of catechin. There is fifth is a and last epidix. Epidix is the like a spike but the axis is the flesh as enclosed by the large slowly bracketed spathin. There is example of banana and colocasia. Here the B is the with the main axis shortened means the types and there is a character example are the same as the sixth part in there is a coramem. Corymbs is the character is a lower order flower have a longer stalk than to the upper younger ones. Thus all flower come to lies at the same level. Example candy tuft. And their seven is a umbel. Their umbel is a flower with the stalk the equal length arising from the same point. Example coriander. Coriander on your home. The here is a C part with the main axis flattened. Means head and capitulum. Their character is the main axis is the flattened into the convex
repetals and the which is the census flower flortest are arranged in the center petals order. The order is to abort to the parents where wall for a sense is the surrounding by the involves and the bract. The example of sunflower. Then here show the different types of there is a fluorescence. There the first is a raceme and the second is spike and third is the epicatal and the fourth is a cat skin and fifth is a spadix and the other is a corymbs and the umbel and the capitulum. There are different types of cytosome inflorescence in the present here and see your mobile. Then the next is the types, character, and example. There are monocelous cymes. There is a main axis end in the flower. A lateral branch come from one side and end in the flower. Example is a cotton plant. Cotton is important. There are dicotyl cymes. There are dicotyl cymes. Two lateral branches devolve from to either side of terminal flower and each branch into the flower. Example, xanthus, jasmine. There are multicaudal cymes. There is a number of lateral branches come from to the side of a terminal flower and each lateral branch end in the flower. Is example calotropis. Calotropis is example of multicaudal cyme. Here so in this picture the types of cymes inflorescence is a monocelous, dicotyl and phloconcious. There are different categories on your screen. The next is a special types of fluorescence. Here, hypothoriums. Hypothoriums is their flash epicutals form of cups-like cavity and has an apical opening. The male and female flower are shown on their inner walls of the cavity as the figure people. And there is the cytothorium. Cytothoriums is their types of fluorescence characteristics of improvarious in which a cup-shaped inflorescence is enclosed a single female flower surrounding by a number of male flower. A nectar is present at the rims of inflorescence. And third is a verticillator. Verticillator is the figure. It is a series of endocondenser where the discosis is examined at the each node with their a custard is a himself flower in the axis of leaves is a Asima. Asima is Tulsi Zalizwa. Here so in this picture, the special types of inflorescence is the hypothyroidiums. The first and second is the cytothoriums and verticillator is the last. There are different types of fluorescence in present here. देखिए दोस्तों हमारा जो ये टॉपिक है पुष्पकरम या इन्फ्लोरेसेंस ये बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है. कहते हैं जब तक जो पुष्प की है जो अरेंजमेंट नहीं होती है ना पुष्पकरम नहीं बनती इन्फ्लोरेसेंस नहीं बनती है तब तक कुछ भी नहीं होता है. तो इसलिए जो ये चीज़ें जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है. ठीक है पुष्प अक्ष जो होता है फ्लोरेस एक्सिस पर जो है पुष्पों की व्यवस्था को जो हम क्या कहते हैं पुष्पकरम कहते हैं जबकि इसके अक्ष को जो है पुष्प अक्ष यानी पेंडू अंगल्स कहते हैं. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है. इसमें साथ जो है पुष्पकरम जो है कक्षस्थल यानी एक्सिलरी अथवा अग्रस्थल टर्मिनल हो सकते हैं यानी दो जो हो सकते हैं इसमें एक्सिलरी और टर्मिनल हो सकते हैं जैसे वो हम पुष्पकरम कक्षस्थल अथवा अग्रस्थल कहते हैं. कक्षस्थल और अग्रस्थल कहते हैं. पुष्पकरम के प्रकार क्या है तो देख सकते हो. पुष्पकरम के विभिन्न प्रकार से उसके जो है अक्ष के सखान एवं पुष्पों के क्रम पर आधारित होती है. पुष्पकरम जो है मुख्य दो प्रकार से होते हैं. एक जो होता है हमारे समक्ष जो है समीक्ष जो है असीमाक्षी यानी रेसिमोस जो होती है असीमाक्षी होती है. इसमें यही बात दर्शाई गई है कि प्रमुख अक्ष पुष्प में समाप्त नहीं होता है बल्कि निरंतर बढ़ता ही रहता है. तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण बात रखती है कि ये जो है समाप्त कभी नहीं होती है ये जबकि बढ़ती ही रहती है जो है प्लांट के जीवन काल के दौरान. उसके बाद ससीमाक्षी का मतलब होता है साइमोस का मतलब है प्रमुख अक्ष पुष्प में समाप्त होता है तथा वृद्धि सीमित रहती है. देखिए समाप्त हो जाता है और इसकी वृद्धि जो होती है सीमित हो जाती है यानी ये एक्स के पश्चात जो है आगे नहीं बढ़ सकता. तो यहाँ पर जो है जैसे कि आपका समक्ष जो है असीमाक्षी है और ससीमाक्षी है. तो पहला को है असीमाक्षी होगा दूसरा जो होगा ससीमाक्षी होगा. इसमें जो है प्रमुख अक्ष में असीमित वृद्धि होती है. इसमें जो होता है जिसको आप क्या कहते हो
ये रेजोमोस, रेजोमोस जो होती है दोस्तों उसमें प्रमुख में असीमित वृद्धि होती है, जबकि साइमोस में जो होता है जो वृद्धि सीमित होते हैं, यानी इसमें असीमित वृद्धि होती है, दूसरे वाले में जो होता है वृद्धि सीमित होती है, जबकि इसमें जो है रेसियल मोस में जो है अक्ष पुष्प में समाप्त नहीं होता है, जबकि इसमें जो है साइमोसिस में जो होता है अक्ष पुष्प में जो होती है समाप्त हो जाती है। तीसरी बात यही बताता है जो है रेसमोस में जो पुष्प अभिभाषारी यानी अनुक्रम यानी कैरपोटल ऑर्डर में उत्पन्न होती है, जिसमें पुराने पुष्प नीचे तथा अन्य शीश के पास पाए जाते हैं। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट बात आ गया। उसके बाद है साइमोसिस में जो होती है पुष्प तलाभिसारी क्रम यानी वैसो पेटल्स ऑर्डर में व्यवस्थित होते हैं, जिसमें अग्रस्थल पुष्प सबसे पुराना होता है, जो अग्रस्थल होते हैं वो पुष्प जो होते हैं काफ़ी पुराना होता है। अब कहते हैं इसको जो है जिसमें मुख्य अक्ष द्वि यानी इंग्लोटिट्स होते हैं, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं क्या है। इसमें प्रकार दिया गया है, लक्षण दिया गया है और कुछ जो है उदाहरण दिए गए हैं, तो ये उदाहरण के साथ आप समझ सकते हो कि किस चीज़ों में ये पाए जा सकते हैं। तो पहले तो हमारा वही आता है रेजमी, रेजमी जो होती है असीमाक्षी, इसका लक्षण तो होता है अक्ष पर लगे पुष्प और विरत स्टैलक होते हैं और जो है अग्रभिसारी ढंग से व्यवस्थित होते हैं। उदाहरण जो है सरसों, सरसों के आप फूल लेके देखना उसमें आपको ऐसे चीज़ें दिखेगी। उसके पश्चात है हमारा कनिष्क, कनिष्क जो होता है स्पाइक, स्पाइक को कनिष्क कहते हैं, ये असीमाक्षी जैसा परंतु पुष्प आवृत यानी सेसल्स होते हैं, होता तो असीमाक्षी जैसा ही होता है यानी रेसिमिस के जैसे ही होता है। इसका एग्जाम्पल जो है लटजीरा, लटजीरा या अकायरोनस, अकायरोनस भी इस पर आ सकता है। उसके बाद है कनिष्का, कनिष्का यानी स्पैकल्टल। देखिए दोस्तों यहाँ नाम जो है बॉटनी पढ़ रहे हो तो ये डिफरेंट ही होती है, थोड़ा डिफिकल्ट टाइप के नाम ही होते हैं, तभी तो कहते हैं आगे का पढ़ाई बहुत डिफिकल्ट होता है जब आप 12वीं में ही अच्छे से नहीं कर पाते हो तो। और जो बच्चे मैंने कहा ना वीडियो समझ लेते हैं, देखते हैं, तो उनको काफ़ी वर्ड जो है समझ में आ जाता है, जो आगे BSc हो जो बॉटनी लेके करते हैं बच्चे, जो मर्जी फील्ड में जाते हैं उनका बहुत ही काफ़ी जो है उपयोगी सिद्ध हो सकता है। ठीक है, तो यही जो है कनिष्का यानी स्पाइकेटल्स जो होती है एक या अधिक पुष्प की गुच्छा होती है, जिसमें जो है पुष्पक सह पत्र यानी ट्रैक्सस के साथ लगे रहते हैं, जैसे गेहूं, गेहूं का आपको देखा ही होगा फूल कैसे होते हैं। उसके बाद नत कणिक यानी कैटरकिन्स, इसमें जो है कनिष्क जैसा परंतु यह अक्ष नीचे की ओर लटका हुआ होता है, जिसे हम एक पुष्प लंगी पुष्प लगे होते हैं, जैसे जो है शहतूत, शहतूत के पौधे में ऐसा देखने को मिलता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष जो है स्थूल मंजरी, स्थूल मंजरी का मतलब होता है स्पैडिक्स, ये कणिक जैसा परंतु यहाँ अक्ष मसाल होता है तथा जो है भड़कीले रंग के बड़े ही सहस्त स्पेल से लिपटा हुआ रहता है, तो इसको जो है केला हो गया, कलोकेरिया हो गया, तो ये सारे एग्जांपल है। यहाँ पर जो है कुछ पुष्प भी दिखाया गया है जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रह सकता है, क्योंकि चित्र भी काफ़ी कुछ बताता है, जिसमें जो है असीमक्षा दिया गया है, रेजिम दिया गया है, दूसरा दिया जो है कणिस दिया जिसको हम स्पाइक कहते हैं, तीसरा जो है कनिष्का दिया जिसका स्पाइकिका कहते हैं, तीसरा जो है नत कनिष यानी कैटनकिन, कैटकिन दिया गया है, उसके बाद स्थूल मंजरी दिया गया जिसको हम स्पोडिक्स कहते हैं, तो सारे कुछ दिए हुए हैं। ठीक है, उसके पश्चात जो है समशिक दिया यानी कैरियम्बियम दिया गया है, उसका छत्रक दिया गया यानी अम्बेल, अम्बेल छत्री यानी छत्ते के जैसा, उसका मुंडक, मुंडक मतलब कैपुटम, कैपुटम जो होती है दोस्तों एकदम अलग ही दिखता है, तो ये चीज़ें जो है चित्र से भी आप समझ सकते हो कि कैसा देखने में लगता है। उसके पश्चात बी है जिसमें मुख्य अक्ष यानी अर्धकुरित होती है यानी विथ मेन एक्सिस शॉर्ट एंड, तो इसमें जो है सबसे पहले हमारे समक्ष आता है समशिक यानी करम्ब, जो नीचे पुराने पुष्पों की वृत्त एवं पुष्पों की वृत्त जो से बड़े एक प्रकार के जो है सभी पुष्प एक ही तल तक पहुँच जाते हैं, जैसे कैंटीटॉप्स, कैंडीटफ जो होती है ऐसे ही बनी होती है। उसके बाद है छत्रक यानी अम्बेल, ये सामान्य पुष्प वृत्ति वाले पुष्प एक ही बिंदु से उत्पन्न होते हैं, जैसे धनिया का पौधा जो आप अपने घरों में भी देख सकते हो, ला सकते हो। उसके पश्चात सी पाठ में आता है जिसमें मुख्य अक्ष चपटा होता है यानी जो विद मेन एक्सिस इज द फ्लैट एंड। ठीक है, तो प्रकार लक्षण हम उदाहरण नियम करते हैं, तो इसमें जो सी से है मुंडक यानी हेड यानी कैप्टुलम जो है अक्षण, इसका जो यही दिखाता है कि ये प्रमुख अक्ष फैल कर कन्वेक्स पुष्पासन यानी कन्वेक्स यानी रिसेप्टल बनाता है, जिस पर जो है पुष्टक नामक फ्लोरेक्स्ट अवयव पुष्प स्थित होते हैं। ये अभिकेंद्रीय क्रम यानी सेंट्रल पेटल्स ऑर्डर
में लगे होते हैं, अर्थात पुराने पुष्प परिधि की ओर स्थित होते हैं। संपूर्ण पुष्पक्रम जो है सब पत्रों के परिचक्र से घिरा हुआ रहता है, तो ये चीज़ें काफ़ी इसको इम्पोर्टेंट भी बनाता है। उसके पश्चात है आपके समक्ष जो है ससमाक्षी पुष्प के प्रकार। देखिए जो ससमाक्षी पुष्प आपने पढ़ा था तो उसको क्या डिफरेंस है, तो इसमें यही बोला गया है कि साइमंस जो होते हैं इसमें प्रकार जो है एक शाखी समी मिक्षी, यानी एक शाखी क्या होता है इसका जो लक्षण होता है, ठीक है, एक शाखी समीक्षाख में जो है मुख्य अक्ष एक अंत तक पुष्प में होते हैं और उससे एक पार्श्व शाखा निकलती है तथा उसके अंत में भी एक पुष्प बनता है। उदाहरण कपास के पौधा, कपास के फूल, तो ये आ गया एग्जांपल। उसके बाद द्विशाखी समीक्षा यानी डायकोसिस सेमेंस, यानी अग्रस्थल पुष्प जो है टर्मिनल फ्लावर के दोनों तरफ दो पार्श्व शाखाएँ बनाती है तथा प्रत्येक शाखा का अंत एक पुष्प से होता है, जैसे डैंड्रस या चमेली। उसके पश्चात है बहुशाखी यानी ससमीक्षा, इसका मतलब है अग्र पुष्प के पास से अनेक शाखाएं उत्पन्न होती है तथा प्रत्येक शाखा का अंत एक एक पुष्प से होता है, जैसे आग, यानी इसको हम कह सकते हैं कैलोट्रोपियस। कैलोट्रोपियस जो है इसका एग्जांपल है। जैसा कि आप चित्र में भी देख सकते हो समीक्षा पुष्पों के प्रकार दिया गया है, एक शाखी दिया गया है, ठीक है, उसके बाद द्विशाखी दिया गया है, उसके बाद बहुशाखी। तो नाम से पता लग रहा है कि एक शाखी मतलब एक होगा, द्वि मतलब दो, बहु मतलब बहुत सारे, तो ये आपके लिए समझ के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बना देता है। उसके पश्चात है विशेष प्रकार के पुष्पक्रम। देखिए स्पेशल टाइप्स ऑफ फ्लोरेशन क्या होती है, सबसे पहले हमारे समक्ष जो आता है हाइपोथैपियडम। हाइपोथैपियडम जो होती है ये है मांसल पुष्प शासन यानी फ्लैसोसेप्टल्स, एक कप के समान गुहा बनाता है। इसके शीर्ष पर एक छिद्र द्वार होता है, नर एवं मादा पुष्प गुहा की अंतर्भित्ति जो पर लगे होते हैं, जैसे अंजीर में देखा होगा या पीपल के पौधों में देखा होगा। उसके बाद है सायोथियम। सायोथियम जो होती है एक विशेष प्रकार का पुष्पक्रम है जो विशेष रूप से इंफ्रोवियस में होता है। इसमें एक कप समान परिचक्र होती है यानी फ्लावर क्रेस होती है जो नर पुष्पों के और उसके द्वारा घिरे हुए केवल एक मादा पुष्प के चारों ओर घिरे हो रहते हैं। इसे हम परिचक्र के कोर पर जो है मकरंद कोश यानी नेक्टोनेरिस उपस्थित होता है। उसके पश्चात जो हमारे समक्ष है कूट चक्र यानी वर्टिसुलरेस्टर, यह एक सदैव दीर्घाडित समीक्षा पुष्पक्रम है जिसमें हर एक जो है पर्व संधि के अवृत्त पुष्प के गुच्छे आसपास तथा पतियों के कक्षाओं में व्यवस्थित रहते हैं, जैसे असिसम, तुलसी, ठीक है, सिल्विया आदि। जैसे आप एग्जांपल में भी देख सकते हो, डायग्राम में भी आपको देख सकते हो, इसमें डायग्राम जो है दिया गया है बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला जो है हाइपोथैसियम्स के दिए गए हैं, दूसरा जो है सायथियम्स के दिए गए हैं और तीसरा जो है कुट चक्र के दिए गए हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। अब जो दोस्तों हमारा जो है हमारे समक्ष जो है वो फल है, तो देखते हैं फल में क्या है यानी फ्रूट में क्या विशेषताएं हैं। फ्रेंड द फ्रूट इज इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ प्लांट। द फ्रूट इज द इम्पोर्टेंट एंड मिनरल फॉर अ ह्यूमंस। देर आर ट्रू फ्रूट इज द रेपेंट ऑवरी इज द डिवॉल्विंग आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। There's a view that evolved into the seeds and the ovaries ball mature into the fruits ball which are now called the pericarps. Their pericarps is maybe a things of thin, thick of thin. Their fleshy fruit like a mango, pericarp is a things and the differentiated into the three regions. Epicarps from the skin of the fruits and mesocarps, middle pulps and the endocarps, inner hard and a stone is a example coconut. And mango are the opulent things. The membranes orange in a dry fruit is the pericarps is a thing. Dry papyrus are things and the bodiline but not be divided into three regions. Sometime along with their ovaries outer flora part like a thymus is a reticles or calyxy may be devolved as a part of fruit. Such a fruits are called to floss false fruit. The apple pear thymus figure is a receptacle. There a pearl Thermocarpix is a fruit. It is a fruit that is developed within without fertilization. It is a seedless or has a non-viable seeds. Example, banana, grapes and horticulturists as producing such a fruits artificially. The kind of fruits, there are three basic types. The first is a simple fruit developed from the single mono to polycarpels is the xenocarpus fused ovary for a piece and tomato
एंड सेकेंड इज एग्रीगेट फ्रूट्स इज अ कलेक्शन एंड ट्रेडर्स और सिंपल फ्रूट्स आर फ्रूटलेट्स ऑन सेम थैमस डिवेलपिंग फ्रॉम द पोलोकार्पलर्स एपोकार्पस फ्री एंड द कार्पलेस ऑफ एग्जाम्पल क्लोटोरोफियस एंड द रकुलस एंड थर्ड इज अ कंपोजिट आर देर मल्टीप्लाई द फ्रूट द फ्रूट्स इज द डिवेलप्ड फ्रॉम द नंबर ऑफ फ्लावर्स एंड जस्ट फोर्स टूगेदर आर फॉर्म अ इन्फ्लुएंस इज अ मलबरी बेरीज एंड पाइन एप्पल। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि फल के नाम सुनते ही किसी के भी मुंह से पानी आ जाता है, तो ये फल के जो पार्ट होते हैं कौन कौन से पार्ट होते हैं तो ये भी जानना आपके लिए महत्वपूर्ण होता है। तो इसी पे जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर लाया है फल के बारे में भी इन्फॉर्मेशन कि फल की आखिर कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो ये हमारा सिलेबस भी है। कहते हैं वास्तविक में एक फल प्रवृत्त अंडाशय है जो कि निषेचन के उपरांत जो है विकसित होता है। बीजाणु बीज में जो विकसित होते हैं तथा अंडाशय भित्ति प्रवृत्त होकर फल की भित्ति बनता है, जिसे अब हम फली भित्ति यानी पेरिकर्स कहते हैं। फल भित्ति मोटी तथा पतली हो सकती है। सरस या मंसल जो है गुद्देदार यानी फ्लैशलेस फलों जैसे आम में फल भित्ति मोटी होती है तथा तीन भागों में विभक्त होती है। एक तो होता है बाहरी भित्ति, जिसे हम एपिकर्प्स कहते हैं, फल का छिलका बनाता है। उसके बाद है मध्य भित्ति, जिसे हम मेसोकर्प्स के बीच के में कहते हैं, जैसे गुद्दे वाला भाग होता है, तथा अंत में जो होती है अंत भित्ति, जिसे हम एंडोकर्प्स कहते हैं, जो कठोर तथा कष्टकी होते हैं, जैसे आप आम में देख सकते हो, नारियल में देख सकते हो। या अधिकतर पतली तथा जो है झिल्ली में जैसे संतरा होती है। कहते हैं शुष्क फलों में जो है फल भित्ति पतली कागज़ की तरह एवं शुष्क तथा मोटी एवं कष्ट किए परंतु तीन भागों में विभक्त नहीं होती है। कभी कभी जो अंडाशय के साथ साथ अन्य पुष्पी भाग जैसे पुष्प आसनयान थैमस स्तंभक यानी स्पिट्रेकल्स या बाहरे पुंज यानी कैल्सिस विकसित होकर फल का हिस्सा बन जाते हैं। ऐसे फल को जो है आभासी फल यानी फॉल्स फ्रूट कहते हैं। तो फॉल्स फ्रूट मतलब समझ ही गए हुए दोस्तों किसे कहते हैं, जो कि विकसित होकर फल का हिस्सा बन जाता है। ऐसे फल को जो है आभासी फल कहते हैं ना, फॉल्स फ्रूट कहते हैं। जैसे कि सेब होता है, नाशपाती होता है, इसमें अंजीर भी सम्मिलित होता है। तो ये सारे चीज़ें जो है अत्यंत महत्वपूर्ण बनाता है। कहते हैं उसके पश्चात जो है अनिपेशक फल यानी पैर्थोकार्पोफिक्स फ्रूट्स, ये एक ऐसा फल है जो बिना निषेचन के विकसित हो जाते हैं, यानी इसमें निषेचन होने की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें बीज जो होती है अनुपस्थित होते हैं, यानी बीज होते ही नहीं है इसमें, ठीक है। अथवा बीज जो है जीवन क्षम होते हैं, जैसे केला अंगूर अधान विशेषज्ञ कृत्रिम रूप से ऐसे फल पैदा कर रहे हैं जिसमें बीज ही नहीं होता। केला में देखोगे तो उसमें बीज नहीं होता, अंगूर में देखोगे तो बीज नहीं होगा, जो कि इसको महत्वपूर्ण बनाता है। कहते हैं दोस्तों कि फलों के जो प्रकार है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। कहते हैं फल जो होता है इसमें इसके प्रकार जानना भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। कहते हैं फल मूल रूप से तीन प्रकार के होते हैं। एक तो होता है एकल फल यानी सिंपल, यह फल एक अंडापी बहुडंपी या युक्तडंपी अंडाशय से विकसित होता है, जैसे कि मटर और टमाटर के आपने देखा होगा। उसके पश्चात है पुंज फल यानी एग्रीगेट, ये जो होता है एक ही जो पुष्पाशन पर लगे असंख्य एकल फलों तथा सूक्ष्म फलों की यानी फ्रूटलेट्स का समूह अथवा पुंज होते हैं, जिसे प्रत्येक फल जो है बहुडंपीय युक्तडंपीय अथवा जो है यह अंडाशय से विकसित होता है। जैसे आप मदार या कैलोटैपियस या रेनोकुलम्स को देख सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। उसके बाद है संघृत फल, देखिए कंसोपोडिस यानी मल्टीपल्स भी कहते हैं इसको। यह फल जो है संपूर्ण पुष्पक्रम से या असंख्य आसपास की स्थिति तालिका पुष्पों से विकसित होता है, जैसे सतूत और अनानास। देखिए दोस्तों, ये जो हमारा चैप्टर था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था, क्योंकि हमने जो है इसमें हर चीज़ के बारे में जाना है। पौधों के हर एक पार्ट के बारे में हमने सूक्ष्म से दर्शन किया है। तो देखिए, इसके कोई भी पार्ट अगर आप मिस करते हो तो हो सकता है कि आप इम्पोर्टेंट बात से जो हो अनभिज्ञ रह जाओगे। इसलिए दोस्तों कोशिश करो कि सारे पाठों को जो है अच्छे से समझो और देखो। और क्योंकि आपको पता है कि त्रिपाण स्टडी सेंटर आपके लिए हेल्पफुल के लिए एक जो है बड़ा पाठ भी रखता है, क्योंकि बच्चे जो कुछ होते हैं कहते हैं, ये कंप्लेंट करते हैं कि भाई पाठ तो मिलते नहीं हैं। तो पाठ नहीं मिलते तो आप जो हो इसके कई पाठ होते हैं, ठीक है। तो इसको जो है कम पाठ किस लिए बनाया जाता है कि इसके जो है क्वालिटी अच्छी रखी जाए। दूसरी बात रहता है, अगर कम क्वालिटी में देखना है आप
आपको, तो वो भी अच्छा ही रहता है जो आपको फुल्ली पार्ट होता है। तो फुल्ली पार्ट जो है अत्यंत महत्वपूर्ण होता है आपके लिए पूरे समझने के लिए, ठीक है। तो जैसा आपको लगता है वैसा कीजिए कि त्रिपाण स्त्री सेंटर सिर्फ आपके लिए ही कार्य करता है और आपके सुविधाओं को ही ध्यान रखता है। तो आपको भी ये फर्ज बन जाता है कि त्रिपाण स्त्री सेंटर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, दोस्तों को सब फैलाए। जितना त्रिपाण स्त्री सेंटर को आप विस्तृत करोगे उतना जो है त्रिपाण स्त्री सेंटर आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करेगा। तो सोचिए नहीं, विचार मत कीजिए, क्योंकि सोचना विचार करना तो पढ़ने के समय था, अभी तो है शेयर करने का समय और लाइक करने का समय है और जो है पूरा वीडियो देखने का है। तो यही चीज़ आपको जो है आपको अलग बनाएगा और आपको जो है एक अच्छा इंसान बनाने में हेल्पफुल रहेगा। ओके दोस्तों, आप अब इसी तरह त्रिपाण स्त्री सेंटर को देखते रहिए, लाइक करते रहिए और हमेशा जो है अच्छा से अच्छा करने की कोशिश कीजिए। बड़ों को भी सम्मान कीजिए, बड़ों को भी आदर कीजिए, क्योंकि त्रिपाण स्त्री सेंटर चाहता है कि सब कुछ जो है सिस्टमैटिक और अच्छे से हो, जो कि आपको एक आदर्शमय जो है जीवन यापन करने के लिए आपको जो है महत्वपूर्ण बनाए। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपाण स्त्री सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप त्रिपाण लिखिएगा तो जो है वो त्रिपस कर देगा, ठीक है। जो आप गूगल पर सर्च करोगे त्रिपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने की मेरा क्या जरूरत है त्रिपाण स्त्री सेंटर से, ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, त्रिपाण स्त्री सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि ये जो है आपके 8th class, 9th, 10th, 11th, 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NISU बोर्ड के जो है 10th+2 को भी कवर करता है। साथ में बीए जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6th semester तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफी जो है त्रिपाण स्त्री सेंटर का फायदा ही फायदा है, ठीक है। अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पर मैं आपको जो है पेपर भी आपको सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा, ठीक है दोस्तों। इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। अपना ध्यान रखना, बाय।